क्या देख रहे हैं? बिग बॉस। और इसका रीजन सिर्फ एक ही आदमी है, फुकरा है। सच में फुकरा ना होता तो बिग बॉस ओटीटी पूछू भी नहीं था इसे तो मैं। पर फुकरा फिर भी काफी गेम मतलब उसे परेशान नहीं कर रहे यार ये लोग। अरे वो तो डे वन से पता था, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तू देख रहा हो मुंबई वाली जो इंडस्ट्री है पूरी, एक तो अगर बंदा वहां से ना हो और फिर टीवी इंडस्ट्री से ना हो तो इन्हें यूं लगे कि बंदे अपने, मैं ट्वीट भी किया था इस बारे में, अपने 10x10 के रूम में से बंदा इतनी फेम कैसे ले रहा। इन पे बात हजम नहीं होती। हम तो सुबह 6 बजे कुत्तों की तरह आ जाए शिफ्ट पे और रात को 12 बजे जाते हैं और ना कुछ इंजॉय कर पा रहे अपनी लाइफ को ना कुछ, और ये बंदे भाई कॉन्टेंट बना रहे अपने रूम में बैठ के, लाइफ के मजे ले रहे, तब भी इतनी अच्छी फेम कमा ली इन्होंने। इन लोगों को हजम थोड़ी हो ये बात। और जब इनकी पीआर टीम इन्हें ये बात बता दे ना कि ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है सर, इससे दोस्ती करो, ये करो वो करो, फिर सारे उससे दोस्ती कर ले। जैसे कोई एक आदि सोशल मीडिया स्टार है जिनसे अगर किसी ने दोस्ती करी तो फिर सारों नहीं कर ली, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सब ने। मतलब इनके मुंह पे जलन दिख रही फुकरा को लेके, इनके फेस पे। और इस चीज को लेके मैं मेन चैनल पे भी एक वीडियो प्लान कर रहा हूं, मैं जरूर करूंगा वाली वीडियो। जब मैंने आज ही देखा मैंने फुकरा वाले एपिसोड, मैं कल थोड़ा बिजी था, मैं देखा यार पता है उसे क्या कह रहे, फुकरा थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा था यार वहां पे स्टेज पे, उसे कह रहे हैं ये नकली हवा है। और वो आदमी कह रहा मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा इरेलेवेंट बुड्ढा है वो बोल रहा है उसे बात। जी हम एक क्लिप देख रहे थे उसमें दिखाया नहीं था जब पुनीत सुपरस्टार जाने लग रहा था, फुकरा इंसान ने कहा नहीं था ना वो तो ये तो खा जाएंगे मुझे, ये कह रहा है ये तो तेरे बिना खा जाएंगे मुझे, का वही है ना वो वाली है इंडस्ट्री, बस उन्हें एक्सेप्ट करें। जो लोग 9-10 पे थे ना पब्लिक की वोट से उन्हें 1-2 पे रख दिया, फुकरा और पुनीत सुपरस्टार 1 और 2 पे थे पब्लिक की वोट से, उन्हें 6th और 10th नंबर दे दिया खुद से। इनके अंदर इतनी जेलसी है, इतनी जेलसी है, ये आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अपनी एक शेल में है कि हम सब कुछ है, काम ही ना मिलता नहीं, रिलेवेंट ये बिल्कुल नहीं है, जीरो है ये। अब तक टीवी पे सीरियल बना रहे थे लोगों को, क्या था लोगों पे ना कॉन्टेंट क्रिएट करने का तरीका नहीं था लोगों के पास, लोगों को पता नहीं सीरियल कैसे बनाए, एयर कैसा होता है, ये इनके पास था, ये फेमस थे। यूट्यूब जब सा यार ये सोशल प्लेटफॉर्म जब से है तो नए नए क्रिएटर आ गए। मैं ये कह रहा कि मेगा स्टार्स है तू, शाहरुख सलमान शाहिद कपूर ऋतिक रोशन सबके तू एंगेजमेंट लगा ले, सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन हटा दे, टीवी वालों की तू और मूवी वालों की कितनों की भी लगा ले तू एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो टॉप पे चले, भुवन बाम पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़ा एंगेजमेंट, अगर तू सोशल मीडिया एंगेजमेंट देखे किसी की नहीं है उसकी जितनी, भाई चलेगी इनकी ऑब्वियसली, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते।